Assalamualaikum, मैं उत्साह राब ले लर्निंग स्टाइल यूट्यूब चैनल। आज की मैं आपसे 9th क्लास के रिजल्ट वाले कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ले लाजमी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको बरक मिलता रहे। जितने स्टूडेंट्स कल मैंने वीडियो बनाई थी 9th क्लास के रिजल्ट के हवाले से कंप्लीट जो डिटेल्स आपको मैंने बता दी थी, लेकिन काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज थे कि इनका रिजल्ट क्या बाकी 9 अगस्त को आ रहा है, या फिर स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि हमारा जो रिजल्ट है उसकी पासिंग परसेंटेज क्या होगी। इसके अलावा 33% वाले स्टूडेंट पास होंगे या 40% वाले, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वाजह तौर पर बता दूं कि पंजाब बोर्ड की जितने भी चेयरमैन हैं उनकी कमेटी बनी हुई होती है, उसके अंदर जो है बकायदा एक आपका डिसीजन हुआ है कि जिसके अंदर 9 अगस्त 2024 को जो है आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा 9th क्लास का। इसलिए आपने अब बिल्कुल तैयार रहना है कि 9 अगस्त को जो है आपका रिजल्ट फाइनली अनाउंस हो जाएगा। बिल्कुल फाइनल डेट आपके साथ जो है मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो कल भी मैंने आपको बताई थी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे क्योंकि 22 अगस्त पहले डेट आई थी, लेकिन आप ये गौर करें कि आपका जो मैट्रिक का रिजल्ट है वो 9 जुलाई को आया था, ठीक है। तो अगर आप ये चीज देखेंगे कि आपका जो 9 जुलाई को आया था लेकिन जो पहले डेट बताई गई थी मैट्रिक के उसके ऊपर वो रिजल्ट नहीं आया, इससे पहले आया था। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि अगर 22 अगस्त 9th की डेट बताई गई इससे पहले आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, तो अब 9 अगस्त जो है फाइनल डेट आपके पास आ चुकी है, इसको जो है आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स काफी ज्यादा पूछ रहे थे कि पासिंग परसेंटेज क्या होगी। पासिंग परसेंटेज के बारे से मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपको जो 55% से 60% के दरमियान रहेगा, तमाम के तमाम पंजाब बोर्ड का रिजल्ट पासिंग परसेंटेज इसी के दरमियान रहेगी। इसकी वजह यही है कि हमेशा से 9th क्लास में ऐसा ही होता है, आपका स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि अगर आपने क्वेश्चन को सही अटैम्प्ट किया उसको भी रॉन्ग कर दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने बिल्कुल पेपर अच्छी तरह से अटैम्प्ट किया, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है अपने आंसर्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके अलावा काफी ज्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि 33% वाले स्टूडेंट्स पास होंगे या 40% वाले पास होंगे। ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि 33% जिन स्टूडेंट्स की होगी वो पास होंगे, यानी कि अगर 60 मार्क्स वाला सब्जेक्ट है तो उसमें 20 मार्क्स वाला ऐसे जितनी भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, 75% कितने होंगे, तमाम के तमाम डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 33% के अकॉर्डिंग आपने जो है मार्क्स गेन करने हैं 9th एंड 10th क्लास के अंदर। तो ये अभी इस साल की पॉलिसी है, वो नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी है जहाँ पर 40% को फॉलो किया जाएगा। तो अभी के लिए यही है कि आपको जो 9th क्लास का रिजल्ट है वो 9 अगस्त 2024 को अनाउंस कर दिया जाएगा सुबह 10 बजे, और ये अभी के लिए फाइनल डेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 22 अगस्त को आपका जो रिजल्ट है वो पहले डेट आई थी, बहुत पहले आई थी, लेकिन अब वो जो है आपका रिजल्ट जो है जल्दी अनाउंस होगा, ठीक है। तो ये पंजाब बोर्ड ऑफ कमेटी ने जो है फैसला किया है, तो ये बिल्कुल फाइनल डेट है, इसके ऊपर अब आपको इसको फॉलो करना है। इसके अलावा 33% वाले स्टूडेंट्स पास होंगे, और आपको मैंने पासिंग परसेंटेज बता दी कि रिजल्ट कैसा होगा। तो वीडियो लाइक लास्ट में कर लें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।